क्यों पवन सिंह के लिए इसावन खेसारी और रितेश पांडे मुसीबत न बनकर भोजपुरी की कुछ दमदार एक्ट्रेसेस बन गई हैं मुसीबत। जी हाँ, सावन के इस महीने में वैसे भी भोजपुरिया जितने भी एक्टर और सिंगर हैं सबका वही बोलबम के गीतों से तो हर जगह उनकी धुन बसती ही रहती, लेकिन इस बार हमारी भोजपुरिया हीरोइनें भी पीछे नहीं है। पवन सिंह को टक्कर देने में अक्षरा सिंह कम नहीं थी कि काजल राघवानी और आम्रपाली दुबे भी आ गई हैं। जी हाँ, इनके भी बोलबम के गीत जल्द ही आने वाले हैं और आप सुनेंगे इनके भी बोलबम के गीत। वैसे रितेश और खेसारी तो पवन के लिए मुसीबत बने ही हैं, आए दिन इनके कोई ना कोई गाने रिलीज होते रहते हैं और चर्चाओं में रहते हैं। और अब भोजपुरी की ये हसीनाएं पवन के नाक में दम करके रखी हुई हैं। जी हाँ, पवन ये सोच भी रहे हैं कि रहने दिया जाए, अब इससे ज़्यादा बोलबम के गाने न निकाला जाए, लेकिन ये है कि पवन सिंह को जीने ही नहीं देती। वैसे अक्षरा सिंह के कई बोलबम के गीत आ रहे हैं, ऑडियो और वीडियो दोनों साथ आ रहे हैं और सभी में अक्षरा सिंह बाजी मारते हुए भी नज़र आ रही हैं। उनके गानों को लोग पसंद भी कर रहे हैं, फिर वो चाहे कैलाशी हो। लेकिन आम्रपाली का एक गाना जो पिछले साल पवन सिंह के साथ आया था वो आजकल खूब धूम मचा रहा है और उसमें आम्रपाली की आवाज़ को भी बहुत पसंद किया जा रहा है। साथ ही साथ काजल राघवानी का भी एक गाना पिछले साल का ही है, वो भी काफ़ी धूम मचा रहा है। लेकिन इस बार ये दोनों ने मन बना लिया है कि ये दोनों एक बोलबम का गीत ज़रूर लेकर आएंगे, यानी पवन के लिए खेसारी अरविंद अकेला कल्लू रितेश पांडे कम मुसीबत बने नहीं हुए थे कि इस बार अक्षरा सिंह आम्रपाली दुबे और काजल राघवानी भी मुसीबत बनकर सामने आ चुकी हैं। अब यानी कि पवन सिंह को कंपटीशन देने में भोजपुरिया एक्टर ही नहीं एक्ट्रेसेस भी काफ़ी आगे चल रही है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।